कहानी दा नाम राजा माई दास। बहुत पुरानी गल है, माई दास ना दा एक राजा होया। ओह राजा प्रजा लई काफी चंगा सी, लोग उस दी इज्जत करदे सन। बस माई दास लालची सी, उस नू सोने दी चमक बहुत लुभाउंदी। ओह दी एक धी भी सी जो अपने पिता नू बहुत प्यार करदी सी। एक दिन राजे नू एक चिराग लब्बा, उहने चिराग नू हथ नाल रगड़िया ता उस विचों जिन निकलिया। उह राजे नू पुछन लगा, मेरे लई की हुक्म ऐ मेरे आका। राजे ने जिन नू कहा कि मैनू सोने नाल बहुत प्यार है, मैं चाहुंदा हाँ कि मेरे महल विच हर चीज सोने दी होवे। जिन सुनदा रहा, उहने राजे नू दहुरा के पुछया कि तुहाडी की इच्छा है। राजे ने अपनी इच्छा दोहरा दित्ती। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, अज तो बाद तुसी जिस चीज नू भी छूहोगे ओह सोने दी हो जावेगी। कि तुसी इस वर तो खुश हो राजा? माई दास दे खुशी दा टिकाना ना रहा, जिन लोप हो गया। हुन राजा माई दास जिस चीज नू भी हाथ लाउंदा ओही सोने दी हो जांदी। ओ बाग विच गया, उहने सेब नू हाथ लाया, सेब सोने दा हो गया। किसे रुख नू हाथ लाया, रुख सोने दा हो गया। उहने तोते दे पिंजरे नू हाथ लाया, तोता पिंजरे सने सोने दा बन गया। माई दास मारे खुशी दे किलकारियां मारन लगा, उहनू अपने मंगे वर ते मान होन लगा। माई दास ने अपने सेवकां वल्लों लियांदी रोटी नू खान लई हाथ वधाया। जिवें ही उहने रोटी नू छूहिया, सारा कुछ सोने दा बन गया। राजा थोड़ा परेशान होया पर उह डरिया नहीं। उह उठ के फलां वाली टोकरी